कि जिन लोगों को घर का पोजीशन मिल भी चुका है और जिन लोगों को पोजीशन मिलना बाकी था उनका अब क्या होगा, क्योंकि कई ऐसे अभी भी प्रोजेक्ट्स हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हो पाए हैं। ये तमाम तरह के सवाल हैं जो इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं। संवाददाता सुशील तिवारी जुड़ गए हैं इस खबर पर और अधिक चर्चा के लिए। सुशील, आम्रपाली ग्रुप में जिन जिन बायर्स ने निवेश किया है वो निवेशक डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि आम्रपाली ग्रुप का जो कॉर्पोरेट ऑफिस है उस पर ताला लग चुका है। किसी के पास इस बात का जवाब नजर नहीं आ रहा है कि निवेशकों ने जो पैसे लगाए हैं प्रॉपर्टीज में और जिनको पोजीशन मिल भी चुका है उनके लिए भी खतरे की घंटी है, क्या होगा आगे किसी को कुछ नहीं पता। बिल्कुल, जो फ्लैट खरीदार हैं, जो निवेशक हैं, बेहद ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि जो उन्होंने हजारों रुपए अपना काफी पैसा उन्होंने लगाया, यहाँ तक कि जो काफी लंबा चौड़ा जो रकम था वो निवेशकों ने लगाया, उसके बावजूद उनको कोई भी तक फ्लैट भी नहीं मिला, कुछ को मिला है तो उनके सामने भी समस्या खड़ी हुई है। और जो बैंक्स हैं, बैंक्स तो अपना पैसा वसूलने के लिए उन्होंने जिस तरह HDFC बैंक ने भी प्रक्रिया शुरू कर दी नीलामी की, कॉर्पोरेट ऑफिस उनका सेक्टर 62 में जो था उस पर पूरा कब्जा कर लिया है, उस पर ताला लगा दिया है, साथ में जो कॉर्पोरेशन बैंक है उसने भी नीलामी की प्रक्रिया वो भी शुरू करने जा रहा है। तो ऐसे में बैंक तो अपना पैसा वसूल लेंगे, जो निवेशक है जिनकी गाड़ी कमाई थी, इसमें अधिकतर जो निवेशक है वो मध्यम वर्गीय है और उनके जो पैसे थे काफी उन्होंने मेहनत से और साथ में इसके अलावा तमाम अपने रिश्तेदारों से, अपने मित्रों से उधार लेकर साथ में बैंक से लोन लेकर वो पैसा लगाया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो उनका पैसा डूबता हुआ नजर आ रहा है, सरकार है कोई इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है, यहाँ तक कि जो उनका पैसा है कम से कम उनको मिलना चाहिए, क्योंकि गाड़ी कमाई है उनकी। तो 7 साल पहले जो उन्होंने सपना सोचा था कि उनका खुद का आशियाना होगा, गाड़ी कमाई इस वक्त खतरे में है। और फोन लाइन पर हमारे साथ उपभोक्ता मामलों के जानकार RP श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं।